शहरियों की बिनाई छीनने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। मुजर इंजेक्शन की सप्लाई में मुलाबिस माफिया के दो मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम बिलाल रशीद को आरएफ वाला से धर लिया गया। मुलजिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। स्कैंडल में बासर अफराद के नाम सामने आ गए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा दबाव में आए बगैर तमाम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है, जो जो भी उसमें मुलव्वस उसको पकड़े हैं बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फर्ज है। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। ड्रैब का अमराज चश्म की गैर मयारी दवा की फरोख पर एक्शन। कोमेस्टन आई ड्रॉप्स का एक बैच गैर मयारी करार। बैच CYF003 गैर मयारी करार पाया। ड्रॉप आंखों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। गैर कानूनी और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। गैर मयारी अद्वियात खत्म करने का हदफ नेशनल टास्क फोर्स के सपोर्ट कर दिया गया। आशोबे चशम का फैलाव तेज। पंजाब हुकूमत का कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। पीर से आशोबे चशम में मुब्तला बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। आंख के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 1.82 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात कुछ देर बाद होगी। इजाफे की दरख्वास्त महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया। कुरान पाक के तसहीह शुदा तर्जमे से मुतालिक केस। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। लगता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। समाप्त के दौरान अदालत DPO चिन्योट पर बरहम। कहा IG को चाहिए DPO चिन्योट को किसी कोर्स पर भेजें। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल 3 अहम दौरों का प्लान। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के दौरे ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ तीनों ममालिक की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मामलात आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ की माशी टीम के अराकीन भी साथ जाएंगे। आम इंतखाबात की जानिब अहम कदम। इलेक्शन कमीशन आज इब्तदाई हलका बंदियों की फहरिस्त जारी करेगा। तजावीज़ और एतराज़ात 27 अक्टूबर तक दायर होंगे। एतराज़ात को 26 नवंबर तक निपटाया जाएगा। हतमी हलका बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। कौमी और सूबाई असम्बली की मौजूदा नशस्तें बरकरार रहेंगी। पीपल्स पार्टी का मिशन पंजाब फिर शुरू। बिलावल भुट्टो आज से लाहौर में डेरे डालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सियासी शख्सियात मुलाकात करेंगी। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पर मुशावरत का फैसला होगा। चेयरमैन PTI अटक से अडियाला जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीरे आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में रखा गया। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में बेटर क्लास फराहम कर दी गई। ब्लॉक के बाहर सिक्योरिटी के अहलकार तैनात। अडियाला जेल पहुंचने पर चेयरमैन PTI का तिबी मुआयना। डॉक्टर ने मुकम्मल सेहतमंद करार दिया।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम भारत रवाना। टीम बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगी। स्क्वाड भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:15 बजे पहुंचेगा। लाहौर से रवाना हुई टीम में 15 खिलाड़ी शामिल थे, 3 रिजर्व खिलाड़ी भी साथ गए। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल दुबई में ज्वाइन करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर 30 सितंबर को सीधा भारत पहुंचेंगे। टीम दुबई में 9 घंटे तक कयाम करेगी। ग्रीन शर्ट्स पहला वार्म अप मैच जुम्मे को न्यूजीलैंड से खेलेंगे। मशरिक वुस्ता का सियासी मंजरनामा तेजी से बदलने लगा। तारीख में पहली बार इसराइली वजीर सयाहत सऊदी अरब पहुंच गए। अक्वामे मुतहदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी सिफारती वफ 3 दहाइयों बाद फलस्तीन के मगरबी किनारे पहुंच गया। सफीर ने सिफारती असनाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को पेश की। मसला फलस्तीन हल किए बगैर मशरक वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सऊदी वलीअहद की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का मुत्तफ़िका फैसला। इजलास के शुरका ने मुतालबा किया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हदूद में वापस जाने का अहद करना होगा। हमारा मकसद फलस्तीनी आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इजलास में मशरकी बैतुल मक़द्दस को फलस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा। शदीद आलमी दबाव मोदी को घुटनों के बल ले आया। भारत हरदीप सिंह कत्ल केस में तआवुन पर आमादा हो गया। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कत्ल से मुतलिक ठोस चीज फराहम करने पर उसका जायजा लेंगे। भारतीय वजीर खारजा के बयान पर कैनेडियन इंटेलिजेंस ने पत्ते शो कर दिए। कत्ल में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी रहनुमाओं को दिखा दिए गए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा एनडीपी जगमीत सिंह पर एतमाद कहा काबिले एतमाद शवाहिद देखे भारत का कत्ल से ताल्लुक है। कनाडा ने भारत में अपने शहरियों को मजीद मोहतात रहने का कह दिया। हरदीप सिंह कत्ल, दुनिया भर में सिख बरादरी का एहतजाज जोर पकड़ गया। कनाडा अमेरिका समेत मगरबी ममालिक में सिख सड़कों पर आ गए। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, मुजाहरीन की जुबान पर एक ही नारा। कनाडा में टोरंटो वैंकूवर ओटावा और अमेरिका में सान फ्रांसिस्को में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन का सिफारती सतह पर भारत से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने का मुतालबा। सिख बरादरी का कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करने पर इसरार। पाकिस्तान में भी सिखों के एहतजाजी रैलियों में मोदी सरकार के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी को आरजी रिलीफ मिल गया। एफआईए 31 अक्टूबर तक तलब नहीं कर सकेगी। तलबी के संबंध मुअत्तली के हुक्म में 31 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में तौसी की। केस जस्टिस बाबर सतार ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने चचा की भतीजी को जायदाद से महरूम करने की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत का रेवेन्यू अथॉरिटीज को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल का हुक्म। तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं, दरख्वास्त गुजार के वकील का मौकिफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तलागंग के रिहायशी मुनीर हुसैन ने भाई की वफात के बाद जायदाद की तकसीम का दावा किया। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 233 गैस कनेक्शन मुनकता। लाहौर के डोबिनपुरा इलाके में 300 मीटर तवील गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़ी गई। गैर कानूनी पाइपलाइन मुंसलिक करके गैस चोरी की जा रही थी। बलोचिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4017 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस, 124 बिजली चोर गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के लिए 1180 दरखास्तें दायर, 339 FIR दर्ज, 10 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। लेस्को रीजन में मजीद 57 अफराद गिरफ्त में आ गए। कराची में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी का बड़ा जखीरा पकड़ लिया गया। FIA का कराची के खालिद बिन वलीद रोड पर शोरूम मालिक के फ्लैट पर छापा। बड़ी तादाद में डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी तहवील में ले ली।
मुलजिम हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस था। खैबर पख्तूनख्वा से 3 मुलजमान हिरासत में लिए गए। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल समेत गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। करेंसी रुपए के मुकाबले में मुसलसल कमजोर होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1.15 रुपया सस्ता, $1 की कीमत 288.65 रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। अस्करी क़यादत की बेलौस कोशिश और हुकूमती तआवुन का असर, पाकिस्तानी मुआशी बहाली की राह पर गामज़न हो गई। यकम सितंबर से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, 3 माह से सालाना अफरात ज़र की शरह भी कम होने लगी। तजारती खसारा 39.1 बिलियन से कम होकर 24.1 बिलियन रह गया। साल 2023 में IT इंडस्ट्री ने 1.72 बिलियन डॉलर तजारती इजाफा किया। 2 माह में चीन ने पाकिस्तान में 50.4 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबेन 10 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पर दस्तखत हुए। DG रेंजर सिंध का कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के दफ्तर का दौरा। मेजर जनरल अजहर वक्कास को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। DG रेंजर्स ने पानी चोरी रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा कराची में पानी चोरी की बुनियादी वजूहात की निशानदही बरकरार रखी जाए। पंजाब में डेंगू के वार तेज। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 128 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल पंजाब में डेंगू के 3,914 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 60 नए मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू के 1,587 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदर लूप 3 का फिजाई दौरा। पंजाब का आए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फिजाई मुआयना भी किया। जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन अकमी ने एमयू अस्पताल के जेर तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। ब्लॉक को जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत। समुद्री आलूदगी इंतहाई संजीदा मसला, आबी हयात शदीद मुतासर। अफजाइश में भी वहाँ से कमी, समुद्री आलूदगी फैलती कैसे है और इससे छुटकारा किस तरह मुमकिन है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एडवेंचर टूरिज्म कुदरती खूबसूरती, मजहबी सियाहत और तारीखी मकामात से माला माल, सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत के आसार भी सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज है। गुज़श्ता 9 माह में 1 करोड़ से ज़ायद सयाह खैबर पख्तूनख्वा आए। 3,000 गैर मुल्की सयाह सैर व तफरी के लिए पहुँचे। सालाना रिपोर्ट जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधही में मुलविस करार। अमरीकी जज ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश की। असासे बेहतर बिजनेस डील के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। ट्रंप और बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ केस पीर से अदालत में शुरू होने का इम्कान।